दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, कस्टम एमआई जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड क्रिएट अ एमआई। तो कस्टम एमआई क्रिएट करने सबसे पहले आई एम लॉन्चिंग अ वन सर्वर। सर्वर वन, क्रिएट अ विंडो सर्वर सिलेक्ट इन 2012। क्या जी, चॉइस इज योर, आप कुछ भी यूज करिए। T2 माइक्रो सिलेक्ट अ कनाडा विंडो एंड यूजिंग, और आइदर आप कस्टम वीपीसी भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर, बट मैंने कस्टम वीपीसी एड ऑन नहीं करा क्योंकि फिर लैब काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी मेरे लिए। तो आपके लिए यही टास्क रहेगा विद कस्टम वीपीसी। ए एंड नाउ सिलेक्ट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड 30 GB स्पेस एंड लॉन्च स्टैंड। तो गाइस जब तक मेरी कस्टम एमआई बन रही है मैं आपको बताता हूँ। इफ यू रिमेम्बर कि सबसे पहले हम लोगों ने खाली सर्वर डिप्लॉय करा था, एक सर्वर डिप्लॉय करा था। नाउ कि हमने अगर से एक सिंगल वेब सर्वर डिप्लॉय करा है, यहाँ पर और भी है, ऑटो स्केलिंग रूट 53 टारगेट ग्रुप एंड मल्टी जोन, और ये भी कहां पे डिप्लॉय करना है, मल्टी जोन में करना है, सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट नहीं करना है। अभी तक आपने जो भी करा है वो सिंगल जोन में करा है, अब हम क्या ले रहे हैं, मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट। तो गाइस सबसे पहले आपको रिमेम्बर हो कि आपने वेब सर्वर क्रिएट करा था। सपोज करिए कि अगर आप इस वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं तो इस सर्वर के आईपी से एक्सेस करते थे, यस और नो? नाउ कि आपकी जो भी पब्लिक रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आ रही है और इस सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज, और अगर आपका लोड अबव 1 लाख आए तो क्या होगा गाइज, क्या आउटपुट आएगा? क्रैश हो जाएगा सर, तो वो क्रैश हो जाएगा। यस सर। तो अभी तक हम जो वर्क कर रहे थे वो हम इस मॉडल पे काम कर रहे थे, अभी तक हम इसी मॉडल पे काम कर रहे थे ना, कि डायरेक्ट सर्वर के आईपी से सर्वर एक्सेस कर रहे थे। नाउ कि अब कंपनी कहती है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका, इस मॉडल का कोई सॉल्यूशन है? यस yes, तो इसका सॉल्यूशन है कि आई एम यूजिंग लोड बैलेंसर। क्या मेरी कंपनी कहती है नाउ वी हैव डिप्लॉय अ मल्टीपल सर्वर, अब कंपनी कह रही है कि आप मल्टीपल सर्वर्स बनाइए, चॉइस इज हियर, यू कैन डिप्लॉय सर्वर इन अ सिंगल जोन और मल्टी जोन एंड कनेक्ट द ऑल सर्वर विद लोड बैलेंसर। और जितने भी सर्वर्स हैं वो किसके साथ कनेक्ट होंगे, लोड बैलेंसर के साथ। जो भी सर्वर्स आपके होंगे लोड बैलेंसर के, वो सर्वर्स को हम बोलते हैं बैक एंड पूल। जहां पर भी सर्वर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड पूल और टारगेट ग्रुप। बैक एंड पूल या टारगेट ग्रुप उसको बोला जाता है। तो यानी कि लोड बैलेंसर का क्या काम है, कि अगर लोड बैलेंसर के पास कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उस रिक्वेस्ट को कहां पर फॉरवर्ड करेगा, टारगेट ग्रुप के अंदर, यानी कि बैकएंड पूल में। और बैकएंड पूल में क्या है, मेरे सर्वर्स हैं। यानी कि लोड बैलेंसर को बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उस रिक्वेस्ट को इक्वली इन सारे सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी कि अब अगर आपके पास मोर देन 1 लाख से ज्यादा लोड आता है तो क्या आपका नेटवर्क क्रैश होगा एवरीवन? नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रंट एंड। जहां पर भी आपके रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड पूल बोलते हैं। फ्रंट एंड का मतलब है यहां पर आपका पब्लिक आईपी होता है। तो अब हम जो वेबसाइट एक्सेस करेंगे, यहां पर आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे किससे, इस पर्टिकुलर सिस्टम के आईपी से। और अब जो हम वेबसाइट एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस वाया लोड बैलेंसर URL। अब जो यहाँ पर वेबसाइट एक्सेस होगी वो लोड बैलेंसर के URL से होगी, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो किसके पास जाना है, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट किस सर्वर पर भेजनी है, बट ये सारे सर्वर्स पर सेम ही वेबसाइट होनी चाहिए, गॉट इट? लाइक www.google.com, तो जरूरी थोड़ी ना एक है। तो ये सारे सर्वर एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, मिरर कॉपी। और मिरर कॉपी के लिए वी रिक्वायर्ड अ कस्टम AMI।
इन सर्वर्स को बनाने के लिए हम कौन सी एएमआई यूज कर रहे हैं, कस्टम एआई, यानी कि मैं पहले से एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखूंगा जो वेबसाइट मुझे क्या करानी है, पब्लिश करानी है, कि अगर मेरी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर पे जाती है या कोई सर्वर फेल होता है, तो अगर रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर दूसरे सर्वर पे है तो वही चीज कस्टमर को दूसरे सर्वर से भी मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं कस्टम एएमआई का यूज करूंगा। तो गाइस गॉट इट कि मैंने लोड बैलेंसर और कस्टम एएमआई का यूज क्यों कर रहा हूं? एवरीवन, कस्टम एएमआई, लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप, ये तीन चीज क्लियर हुई? तो सबसे पहले मैं तीन चीज क्रिएट कर रहा हूं, आई एम क्रिएट अ एएमआई, आई एम क्रिएट लोड बैलेंसर एंड आई एम क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप के अंदर मुझे बताना है कि ये मेरे क्या होंगे, सर्वर्स होंगे। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, जो मैंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया है। नाउ सबसे पहले मैं इस सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय कर लेता हूँ गाइस। तो वेबसाइट सबको डिप्लॉय करनी आती है और कस्टम एएमआई भी सभी को बनानी आती है, वो अलग बात है किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी अपने 3 दिनों में। करी है किसी ने? रजुल, आशीष, करिए बताइए फिर कैसे बनेगी कस्टम एएमआई। कंसोल पर ही हूँ भाई, तो मुझे तो सेम वेबसाइट चाहिए ना, तो फाइल वगैरह वो सब कैसे आएंगी, मिरर कॉपी सर्वर कैसे बनेंगे? तो गाइस सबसे पहले मैं एक सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ मैनुअली वाया डिफॉल्ट एएमआई, और उस सर्वर की मैं क्या करूंगा, एएमआई क्रिएट करूंगा एंड देन डिलीट द सर्वर, और जो भी मेरे सर्वर्स होंगे एक्टिव मैं उन सारे सर्वर्स को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ एएमआई चाहिए, सर्वर नहीं चाहिए फिलहाल। तो जब तक मेरा ये सिस्टम लॉगिन हो रहा है और इस पर जो वेबसाइट इंस्टॉल करनी है हमें, तो आई एम लॉगिन विद सर्वर, और इस सर्वर पे लॉगिन होने के बाद सबसे पहला पॉइंट, आई एम चेंज अ पासवर्ड। सो आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी, और मैं इस सर्वर का पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ जो मेरे को की पेयर की रिक्वायरमेंट बार बार ना पड़े। सो द कमांड इज नेट स्पेस यूजर admin-strator administrator and the password is ASD@1234. Point number one. Point number two, I'm creating some file and folder. Like I'm creating a folder like a data folder मैंने यहाँ पे create करा है, like मेरा एक और data यहाँ पे पड़ा हुआ है, like Java related मेरा कोई data यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कोई भी सर्वर अगर है तो सब पर सेम ही चीज आनी चाहिए, ये सारे फोल्डर्स भी क्या है, जितने भी मेरे सर्वर्स हैं उन सारे सर्वर्स पे भी ये फोल्डर्स आने चाहिए। तो नाउ कि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, नाउ आई एम डिप्लॉय अ वेबसाइट, सो आई एम जस्ट इंस्टॉल अ वेब सर्वर IIS सर्विस। इंस्टॉल After that, I'm just copy the website कि मैं जो वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ वो वेब सर्वर की सर्विसेज में कॉपी करता हूँ अपने सिस्टम से। एंड नाउ द एन नंबर ऑफ वेबसाइट इज अवेलेबल, कॉपी दिस वेबसाइट, और यहां पर गाइस आई एम क्रिएटिंग अ टू AMI, मैं यहाँ पे दो कस्टम AMI क्रिएट करूंगा। तो क्लिक हियर, एंड पेस्ट दिस वेबसाइट, एंड करंट वेबसाइट अगर हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी वेबसाइट रनिंग है सर्वर पे, तो आई एम सिलेक्ट दिस सर्वर, copy the public IP and then paste in a browser,
इतना क्लियर है सभी का एवरीवन? मैक इज क्लियर? यस सर, यस सर। व्हाट अबाउट द अदर गाइस? क्लियर है सर इतना? यस सर। चले गाइस, सो बड़ी धीरे डेटा कॉपी हो रहा है। Now guys, my website is deployed successfully and now check कि ये मेरी वेबसाइट हो गई लाइक अ फास्टर के नाम से है। तो नाउ कि आई एम जस्ट क्रिएट अ ईएमआई, मैं इसकी ईएमआई क्रिएट करना चाहता हूं, सो जस्ट गो टू द एक्शन एंड इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट ईएमआई और लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम अ फास्टर ईएमआई। आप देना चाहते हैं सो दे सकते हैं नेम यहाँ पर और भी कस्टम इमेज एंड क्रिएट। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक इमेज क्या करी है, क्रिएट करी है। तो ये इमेज अभी मेरी यहाँ पर आप देखेंगे एएमआईज के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। उससे मतलब नहीं है ना, आपको एएमआई क्रिएट करनी है। कस्टम का मीनिंग ही नहीं है ना यहाँ पे, कस्टम से मतलब ही नहीं है, ये एक तरीके का बैकअप है। या सिंपल सा मैं कहता हूँ, इस सिस्टम का इमेज क्रिएट कर लो तो आप क्या करोगे? मैंने बोला सर्वर 100 का 100 नंबर सर्वर की इमेज क्रिएट कर लीजिए, सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 सर्वर 4 है ना, आपको इमेज क्रिएट करने के लिए बोला। दैट मीन्स की कस्टम इमेज क्रिएट करिए, चाहे वो सर्वर कुछ भी हो, उससे मतलब थोड़ी ना है। आप जो इमेज क्रिएट करोगे वो कस्टम होगे। अब मैं चाहे नया सर्वर बना लूं, लेकिन आप दोबारा जब इमेज बनाओगे वो कस्टम इमेज ही बनेगी। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और डेटा या कुछ चेंजेस करी हो आपने, इसलिए हम आप नई इमेज बना के रख रहे हैं। लाइक इसी की जगह मैं कोई दूसरी वेबसाइट डिप्लॉय कर दूं, गॉट इट? तो मैं दोबारा से इमेज क्रिएट करूंगा ना, लाइक मैं इसीलिए कह रहा था कि दो इमेज मैं क्रिएट करूं। तो एक तो मैंने इमेज कर ली, अब नेक्स्ट टाइम कंपनी क्या कहते हो, कहते हैं वेबसाइट ही चेंज कर लेते हैं। तो जब कंपनी अगर वेबसाइट चेंज करेगी तो क्या करेगी, बैकअप तो प्लान करेगी ना। तो अगर आप अपने इसी पे कोई स्विच करते हैं तो आपका पहला रीजन है कि पहले वाले सर्वर का बैकअप आपको रखना है। कंपनी आपसे कभी भी बोल सकते हैं कि यार एक काम करो, इसको छोड़ो, पहले वाले ही दोबारा से पब्लिश कर दो। लाइक अ बिग बिलियन डे, अभी बिग बिलियन डे 10 डेज के लिए प्राइस चेंज हो गए, बट आफ्टर 10 डेज के बाद दोबारा से सेम प्राइस चाहिए ना, तो कंपनी दोबारा थोड़ी ना इतनी बड़ी वेबसाइट बनाएगी। यस और नो? ये बनाएगी? ये तो वही हो गया कि शीशा तोड़ के लगा दिया, फिर इसको तोड़ के दूसरा लगाओ। कंपनी कहती है यार बैनर ही टांग दो। तो नाउ कि सेकंड सर्वर अगर हमें बनाना है, सो यहाँ पर देखिए आपकी ये अभी बन रही है। सो जब तक मैं दोबारा से सर्वर से लॉगिन हो जाता हूँ, तो सर्वर 1 इज रनिंग, तो आई एम जस्ट अगेन क्लिक देन कनेक्ट आरडीपी गेट पासवर्ड ब्राउज एंड अगेन जनरेट द पासवर्ड, क्योंकि मेरी मशीन भी क्या हुई थी, रिबूट हो गई थी। तो अगर मैं वहां पे एक ऑप्शन और आता है नो रिबूट, अगर आप नो रिबूट पे टिक कर देते तो आपकी मशीन बंद भी नहीं होती। तो गाइस देखिए ये एरर बहुत मिलता है, तो ये एरर अगर मिलता है तो आप क्या करिए, मोर चॉइस पे जाइए और यूज अ डिफरेंट अकाउंट, और यहाँ पे जाके आप
एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपका पासवर्ड है ASD@1234, तो की पेयर से तो लॉगिन ही नहीं होगी क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर चुका था। सॉल्यूशन मिल गया, तभी कहता हूँ वीडियो देख, आवर ही नहीं बढ़वा रहा मेरे। तो नाउ गाइस देखिए वही डेट आ गया। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये वेबसाइट ना करके आप क्या करिए, दूसरी वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। तब पब्लिश करने के लिए ये वेबसाइट का जो कोड है कहीं तो करोगे आप। मैंने क्या करा है कि पूरी की पूरी इंटायर एक इमेज ही बना के रख ली इस वेबसाइट की, कि फर्दर अगर कंपनी दोबारा पब्लिश करने के लिए कहती है तो मैं यूज करके AMI करके और AMI की हेल्प से नई वेबसाइट डिप्लॉय कर सकूं। नाउ अब नई वेबसाइट पब्लिश करनी है, सो आई एम जस्ट गो टू द अगेन इन अ सी ड्राइव और लोकेशन, और यहाँ पे आके मैं उस करंट वेबसाइट को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करा नाउ कि आपकी जो करंट वेबसाइट है वो चलनी बंद हो जाएगी। नाउ आई एम जस्ट कॉपी अ न्यू वेबसाइट कोड, तो मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट कॉपी कर लेता हूँ। तो नाउ एंड पेस्ट, और दोबारा से मैं इसकी क्या है एक इमेज भी बना के रख लूंगा। इमेज बना के इसलिए कि फर्दर मेरा सर्वर क्रैश होता है तो मैं इमीडिएटली नया सर्वर डिप्लॉय कर दूं। अगर आप इमेज नहीं बनाएंगे तो आपको मैनुअली IIS इंस्टॉल करना, वेबसाइट कॉपी करना, वो सारा काम करना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर? दुष्यंत, खुशबू, कुमार, पारस, निर्भय, राहुल, सानिया, इज इट क्लियर? तो नाउ गाइस आई एम जस्ट मूव फॉर हियर, तो ये मेरी अभी वेबसाइट कॉपी हो रही है और आई एम क्रिएट अ वन मोर AMI। तो इस लैब के लिए भी मेरे को दो AMI रिक्वायर्ड थी। क्यों मैं दो AMI बना रहा हूँ, आंसर मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल एक आंसर तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो बैकअप क्रिएट कर सकते हो AMI में, बट मैंने दो AMIs क्यों बनाई है उसका आंसर भी मैं आपको वैसे दे चुका हूँ, बट आपको पता नहीं कि कब दिया मैंने। बिग बिलियन, तो जो बिग बिलियन वाला जो ऑप्शन है ना वही चीज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करूँ, लाइक वेबसाइट को स्वैप करना कि इमीडिएटली इसी नेटवर्क पे कंपनी आपको कहती है 3 मिनट्स में मुझे दूसरी वेबसाइट चाहिए, तो 3 मिनट्स में ये सारा इंफ्रा क्या आप बना सकते हो, कस्टम AMI, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, ऑटो स्केलिंग, VPC, इज इट पॉसिबल कि सारी की सारी चीजें विद इन 3 मिनट आप डिप्लॉय कर सको? गाइस पॉसिबल है? नो सर। तो इसीलिए मैं दूसरी वेबसाइट है, तो 3 मिनट में कैसे करेंगे वो पॉसिबल है। तो नाउ आई एम अगेन सेलेक्ट सर्वर एंड इमेज एंड, तो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट चल रही है। तो नाउ एट दिस टाइम दिस वेबसाइट इज रनिंग, गॉट इट? तो आई एम यूजिंग अ न्यू इमेज, क्रिएट इमेज लाइक अ फ्लिपकार्ट AMI, तो मैंने इसका नाम रख दिया फ्लिपकार्ट AMI। जो AWS आपको प्रोवाइड कराता है, सबसे पहला आता है क्लासिक। तो क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है कि आप अपना प्रोटोकॉल के बेस यानी कि एप्लीकेशन के बेस पर भी ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस नेटवर्क बैंडविड्थ के बेस पर भी ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट Amazon ने क्या करा है, इसको क्लोज कर दिया है 15th of August 2022, यानी कि बिफोर 20 डेज पहले ही Amazon ने क्लासिक लोड बैलेंसर को विड्रॉल कर लिया है। एंड अब आपके पास क्या करा है कि Amazon ने अलग अलग ये लोड बैलेंसर बना के दे दिए, यानी कि आप चाहो
सिर्फ आप एप्लीकेशन बेस पे कराना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट अ ऐप लोड बैलेंसर, और अगर आप नेटवर्क के बेस पे कराना चाहते हैं तो यू कैन यूज अ नेटवर्क लोड बैलेंसर। इसके अलावा अमेज़न ने एक और नया लोड बैलेंसर एड ऑन करा है बिफोर 3 मंथ, गेटवे लोड बैलेंसर, गेटवे एलबी। तो नाउ कि मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको खुद से करना है, सर्च करके गेटवे बताऊंगा इन्हें, वो आपका नेक्स्ट लेवल पे है। गॉट इट गाइस? मैं नेटवर्क भी नहीं बता रहा, गेटवे पे पहुंच रहा है। तो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको खुद से करना है, तभी तो आप कर सकते हो। आप लोगों ने ऑलरेडी वीपीसी पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने प्रॉपर वीपीसी पढ़ा है तो नेटवर्क लोड बैलेंसर आप कर जाओगे, बन जाएगा सर। इसीलिए ना कोई तो टास्क आपको देना चाहिए, जरूरी थोड़ी ना हर चीज कराऊं, सीखने आए हो ना। नाउ गाइस अब आते हैं लोड बैलेंसर। सो आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के अंदर भी एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर बनाते हैं यानी कि वर्ल्ड वाइड वो एक्सेसिबल होगा, और प्राइवेट बनाते हैं तो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन ही। तो आप कौन सा बनाना चाहोगे अगर वेबसाइट के लिए बना रहे हो, कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन चले या वर्ल्ड वाइड आपकी वेबसाइट एक्सेस हो? पब्लिक, पब्लिक सर। तो नाउ आई एम क्रिएट अ पब्लिक लोड बैलेंसर, जिसको आप एक्सटर्नल लोड बैलेंस के नाम से भी जानते हो या इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर, ये एक ही चीज के नाम है। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द कि मैं पहले देख लेता हूं कि मेरी ईएमआई क्रिएट हो चुकी है या नहीं। सो इट्स द ईएमआई एंड मेरी एक और ईएमआई बन रही है। अब लोड बैलेंसर का काम क्या है कि लोड बैलेंसर अपना ट्रैफिक किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, टारगेट ग्रुप को, यानी कि मेरे जो भी सर्वर्स होंगे वो सारे सर्वर्स कहां पर कनेक्ट होने चाहिए, टारगेट ग्रुप के अंदर। अजूरे के अंदर टारगेट ग्रुप को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट, कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। तो जहां पर भी कलेक्शन ऑफ सर्वर्स होते हैं उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट इन अजूरे, और यहां पर बोला जाता है टारगेट ग्रुप या एंड पॉइंट। तो बेसिकली आपसे कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है कि लोड बैलेंसर पब्लिक एंड पॉइंट क्या होते हैं, फ्रंट एंड पैनल या बैक एंड पैनल क्या होता है ना लोड बैलेंसर। तो फ्रंट एंड और बैक एंड का यही है, बैक एंड का मतलब है टारगेट ग्रुप या अवेलेबिलिटी सेट, कलेक्शन ऑफ बैक एंड सर्वर्स, जहां पर बैक एंड में आपके सर्वर्स हैं। लाइक कि आप बैंक में जाते हैं तो फ्रंट एंड में रिसेप्शन होता है, तो रिसेप्शन इज अ फ्रंट एंड, और मैनेजर बैक एंड में रहता है, कि कोई भी बंदा डायरेक्ट मैनेजर के पास नहीं जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, रिसेप्शन पर, वहां से रिक्वेस्ट कोई दूसरा कैंडिडेट क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा मैनेजर को, यानी कि पब्लिक ट्रैफिक आपके फ्रंट एंड पे क्या हो गया, स्टक हो गया, रुक गया, और वहां से न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करी है लोड बैलेंसर ने। हाँ, यहां पर जो है यहां पर आपका प्राइवेट वीपीसी वर्क करेगा। तो गाइस आई एम क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, देन आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको लोड बैलेंसर के अंदर मिलेंगे, लोड बैलेंसिंग, टारगेट ग्रुप आ रहा है, नाम क्लिक ऑन अ टारगेट ग्रुप। और टारगेट ग्रुप के अंदर मेरे क्या होने चाहिए, या तो आपका सिस्टम आईपी के बेस पे आप ट्रैक करोगे या आप इंस्टेंस, बट अगर आप आईपी के बेस पे करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आईपी चेंज होते रहते हैं। तो बेटर है कि इफ यू कैन क्रिएट अ टारगेट ग्रुप सिलेक्ट अ इंस्टेंस, तो यहां पर ये इंस्टेंस आईडी के बेस पे वर्क करेगा। तो आई एम सिलेक्ट इंस्टेंस, टारगेट ग्रुप नेम इज माई बी ए सी के बैकएंड SERVER सर्वर TG, टारगेट ग्रुप। अब जितने भी लोड बैलेंसर अगर मेरे सर्वर को एक्सेस करेगा तो वाया किस प्रोटोकॉल और किस पोर्ट नंबर के थ्रू, तो मैंने कहा था HTTP और 80। पर्टिकुलर VPC कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट, अगर आप कस्टम बना रहे हैं तो यू कैन यूज अ कस्टम VPC। हेल्थ चेक हो गया एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट। अब वो पूछा है कि सर्वर ऐड करने के लिए, सर आई एम नॉट एडिंग एनी सर्वर, मैं अभी कोई सर्वर टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही सर्वर है, बट मैं अभी कोई भी सर्वर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टारगेट ग्रुप क्रिएट करा है बट कोई भी सर्वर अभी ऐड नहीं करा है। सो आई एम जस्ट कम टू अगेन, AMI बनी है या नहीं बनी मेरी अभी दोनों, तो मेरी दोनों AMI हो गई। सो जो मेरा अभी एक्टिव सर्वर है मैं उसको भी टर्मिनेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास अब कोई भी एक्टिव सर्वर नहीं है, सर्वर वन को भी मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, देयर इज नो एनी सर्वर, यानी कि इस लैब को करने के लिए मैंने अभी तक कोई सर्वर नहीं बनाया। मैंने पॉइंट नंबर वन,
कस्टम एएमआई क्रिएट करिए. पॉइंट नंबर टू टारगेट ग्रुप. नाउ आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर. तो लोड बैलेंसर क्यों कर रहा हूं कि जो भी टारगेट ग्रुप के अंदर सर्वर में अटैच करूंगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जो पब्लिक ट्रैफिक की रिक्वेस्ट है वो किस पर आएगी, लोड बैलेंसर को. अब अगर कोई लोड बैलेंसर एक डिवाइस है, अगर कोई इसको हैक भी करेगा तो भी मेरे सर्वर तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे सर्वर की इंफॉर्मेशन बाहर जा ही नहीं रही है, मेरे सर्वर का आईपी बाहर ही नहीं जा रहा. अभी तक आप आईपी से एक्सेस कर रहे थे, बट अब हम आईपी, हम अभी लोड बैलेंसर को भी सिक्योर करेंगे. तो इससे आगे हम एक और लेयर एड ऑन करेंगे. तो नाउ आई एम जस्ट कम टू पोर्टल एंड क्रिएट अ लोड बैलेंसर एंड क्रिएट लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन नेटवर्क एंड गेटवे. एंड नाउ यू कैन सी कि क्लासिक लोड बैलेंसर यहां पर है, बट AWS will retaining the EC2 classic load balancer on 15 August. So, जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं. Now I'm using a application load balancer, जो कि आपका HTTP और HTTPS के बेस पर आपके ट्रैफिक को क्या करेगा, रूट करेगा. Now give the name like my app-lb. तो मैंने इसका नाम दे दिया इंटरनेट फेसिंग, का मतलब है कि पब्लिक लोड बैलेंसर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. इन IPv4 यूज कर रहा हूँ. नेटवर्क आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट. मैं चाहता हूँ कि लोड बैलेंसर के चाहे मेरे सर्वर जोन ए के अंदर हो या मेरे सर्वर जोन बी के अंदर हो, आपके ऊपर है कि आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर कितने जोन में क्रिएट करना चाहते हैं. सो मैं मल्टी जोन ले रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग अ टू जोन. तो मैंने पहले बताया था कि मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ. सो आई एम सिलेक्ट कि मेरे लोड बैलेंसर, मैं जो सर्वर बनाऊंगा मैं जोन ए और जोन बी के अंदर बनाऊंगा. Got it. So zone A और zone B दोनों के साथ ही मेरा load balancer क्या करेगा, equally काम करेगा. So I'm select a load balancer security group. I'm select a existing security group. Listener port, port number HTTP और 80. कि load balancer के पास भी जो request आएगी वो भी 80 से ही आएगी, और वो उसी port से कहाँ पर भेजेगा, target group के अंदर भेजेगा. So simple सा है guys कि अगर आप third floor पे और आपको ground floor पे जाना है, दो दरवाजे हैं, तो दोनों दरवाजों पे आपका exit point होना जरूरी है. अगर कहीं से भी आपका एग्जिट पॉइंट नहीं है तो आप उस गेट को क्रॉस ही नहीं कर सकते. तो सेम एज है कि अगर आपने लोड बैलेंसर पे पोर्ट नंबर 80 कर दिया और टारगेट ग्रुप में 80 कर दिया, तो यानी कि पोर्ट 80 क्या है, टारगेट ग्रुप का ब्लॉक है, क्योंकि लोड बैलेंसर पे क्या है 80 है और टारगेट ग्रुप पे आपने कौन सा अलाउड करा हुआ है 80, बट लोड बैलेंसर तो 80 पे भेज रहा है ना, और वहां पे 80 है तो वो आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. तो सेम ही प्रोटोकॉल्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, अलाउ होने चाहिए. नाउ सिलेक्ट माई टारगेट ग्रुप कि लोड बैलेंसर कहां पे रूट करेगा ट्रैफिक को. द लोड बैलेंसर रूट ट्रैफिक इन अ टारगेट ग्रुप. देन दिस इज अ समरी एंड क्रिएट लोड बैलेंसर. क्लियर इतना एवरीवन? अब देखिए यहां पर कि यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी फेल होने की. यहां पर फेल होने की प्रॉब्लम क्या थी कि मोर देन 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही तो सर्वर फेल हो रहा है. यहां पर कितने सर्वर्स हैं, मोर देन 10 लाख रिक्वेस्ट आ जाए तो इस नेटवर्क का क्या होगा गाइस, बताएगा क्या होगा, मोर देन 10 लाख रिक्वेस्ट अगर आ जाए तो इस नेटवर्क पे. एवरीवन, पारस, हिमांशु, अंकित, क्रैश होगा स्केलिंग. स्केलिंग तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, पहुंचा ही नहीं हूँ अभी. मैं इस नेटवर्क के बारे में पहुंचा हूँ, स्केलिंग तो मैंने अभी बताई नहीं है क्या होती है. फिलहाल करंट सिनेरियो बताओ, आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक ना होने का सबसे बड़ा रीजन है. मैंने पूछा है कि अगर इस नेटवर्क पर लोड मोर देन 10 लाख आए तो क्या होगा, तो ये नेटवर्क क्रैश होगा या ऑटो स्केलिंग होगी, क्योंकि मैंने अभी ऑटो स्केलिंग तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करी. तो ये नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा. तो प्रॉब्लम तो मेरी सेम बन गई. दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपका लोड आ रहा है 50,000, उस सिनेरियो में क्या हो रहा है, अब तो क्रैश नहीं होगा, 50,000 आ रहा है, बट 50,000 रिक्वेस्ट को तो एक ही सर्वर रिजॉल्व कर सकता है. आपने कितने ऑन करे हुए हैं, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये भी तो कंपनी का लॉस हो रहा है कि अगर आप लोड इंक्रीज होता है तो नेटवर्क डाउन होने का चांस,
और 50,000 है तो कंपनी कहती है कि अननेसेसरी सर्वर क्यों ऑन हो रखे हैं। तो दूसरा तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आपका ये सर्वर क्रैश हो गया तो अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, रिमेनिंग 2-3 सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा। नाउ दिस सर्वर इज क्रैश, दिस सर्वर इज क्रैश, दिस सर्वर इज क्रैश। अब क्या प्रॉब्लम है, आपको अब सारे सर्वर दोबारा से बनाने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई भी सर्वर क्रैश हो सकता है, डाउन हो सकता है। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्लाउड पे एक सबसे अच्छा जो पोजीशन आया, जिसके लिए ज्यादा क्लाउड फेमस है, कि जब भी आप ऑन प्रमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो वहां पर आपको मैनुअली सर्वर डिप्लॉयमेंट करते हैं। अगर मैं यहां पर यूज कर देता हूं स्केलिंग, क्या एड ऑन कर देता हूं, आई एम एडिंग स्केलिंग, जिसको आप बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के अंदर मैंने लिख दिया प्लस 100 सर्वर। स्केलिंग ग्रुप के अंदर मैंने कितने सर्वर सेट कर दिए, 100 सर्वर, यानी कि मैंने एक लिमिट सेट कर दिया 100। इनके अलावा 100 और उनके पैसे आपके नहीं लगेंगे। दैट कंडीशंस क्या दिया है, सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। अगर मेरे बैकएंड पूल का सर्वर्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन कितने परसेंट यूज होने लग जाए, 80% हो जाए, तो एड वन मोर सर्वर, ऑटोमेटिकली मेरा एक सर्वर और एड हो जाए, यानी कि 4 की जगह अब कितने हो जाएंगे, 5। फिर भी लोड अगर इंक्रीज होता है 80%, तो 6-7, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100। सो जो लोड इंक्रीज होने पर नेटवर्क क्रैश हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, और अगर लेस देन 80 जाता है तो रिमूव द सर्वर, ऑटोमेटिकली एड होंगे कब, जब 80% से अबव जा रहे हैं, और सर्वर डिक्रीज कब होगा, जब 80% से लेस देन हो रहा है। तो पहली प्रॉब्लम क्लियर एवरीवन। नाउ द सेकंड पॉइंट, ऑटो स्केलिंग के अंदर एक और ऑप्शन आता है डिजायर कैपेसिटी। डिजायर कैपेसिटी का मतलब है मिनिमम, कि ऑटो स्केलिंग को मैं बता रहा हूं, यू कैन मेंटेन मिनिमम डिजायर कैपेसिटीज 2 और 4, कि मिनिमम आपको 4 सर्वर तो रखने ही है। मैंने उसको ये भी कंडीशन दे दी है कि आपको ग्रुप में कितने सर्वर मेंटेन करने की जरूरत है, 4, यानी कि क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा है, ग्राउंड में कितने प्लेयर होने चाहिए, बताओ गाइस, ड्रीम 11 तो सब देखते हैं, 11 होने चाहिए, कोई अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है, बट 11 से एक भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता और एक भी कम नहीं हो सकता, एग्री। तो यहां पर मैंने डिजायर कैपेसिटी दी है 4, यानी कि अगर यहां पे आपका कोई सर्वर क्रैश भी होता है तो ऑटो स्केलिंग का काम है, इट्स क्रिएट अ न्यू सर्वर ऑटोमेटिकली, वो यहां पे आपके नए सर्वर्स भी क्या करके देगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा और उस डिजायर कैपेसिटी को मेंटेन करके रखेगा। और अगर लोड इंक्रीज होता है, लाइक आपका लोड 20 लाख आ जाता है, तो नाउ इट्स क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर्स, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काफी सारे सर्वर्स यहां पर क्रिएट कर देगा। 80% क्रॉस करता है और 80% से डिक्रीज जाता है तो रिमूव हो जाता है। अब जब सर्वर्स ऐड होंगे तो हर सर्वर पहले वाले सर्वर की क्या होनी चाहिए, मिरर कॉपी, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं यहां पर कस्टम AMI। दूसरा, जो नया सर्वर्स है, लोड बैलेंसर पे हम क्यों फ्रंट एंड लोड लेके आ रहे हैं, कि लोड बैलेंसर में अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया तो डेफिनेटली नया सर्वर आएगा तो नया IP भी उसका आएगा, इसलिए हम IP के बेस पे एक्सेस नहीं कर रहे। तो हम लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आ रहा है तो लोड बैलेंसर का IP मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो बैकएंड में जो भी सर्वर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली आएंगे और ऑटोमेटिकली कहां पर आके कनेक्ट हो जाएंगे, मेरे लोड बैलेंसर के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑटो स्केलिंग। सो ऑटो स्केलिंग का मतलब है हाई एबिलिटीज, ये हमें हाई एबिलिटी जोन प्रोवाइड कराता है कि किसी भी कंडीशन में फेलियर होता है, आपका लोड इंक्रीज हो रहा है तो ये आपके सर्वर्स को क्रिएट कर देगा, सर्वर क्रैश हो रहे हैं तो भी आपके सर्वर्स को, तो ये आपकी पूरे है कि आपके इंफ्रा को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का काम है ऑटो स्केलिंग का। क्लियर द पॉइंट एवरीवन, व्हाई आई एम यूजिंग अ ऑटो स्केलिंग। अब ऑटो स्केलिंग के अंदर भी आपकी एक और चीज आती है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप,
एंड ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले अगर आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको ऑटो स्केलिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यानी कि आप ऑटो स्केलिंग को बता रहे हैं कि जो सर्वर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। कट माय पॉइंट कि जो भी सर्वर ऑटोमेटिकली बन के आएंगे तो उनकी कितनी सीपीयू होना चाहिए, रैम होना चाहिए, की पेयर क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए, किस नेटवर्क पे कनेक्ट होने चाहिए, कौन सी इमेज उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज बताएंगे तभी तो नए सर्वर्स क्या करेंगे, स्केलिंग क्रिएट करेगी। वरना उसको क्या पता कौन सी इमेज बनानी है, किस जोन में बनाना है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप उसके साथ अटैच होके आएगा। तो नाउ आई एम क्रिएट अ ऑटो स्केलिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, देन आई एम क्रिएट अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड यहाँ पे एंड ऑफ द EC2 सर्विस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑटो स्केलिंग, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, गिव द नेम कि आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक फास्टर। तो फास्टर के नाम से मैं एक बना रहा हूं फास्टर वेबसाइट। सो एक फास्टर के नाम से मेरी AMI है। नाउ सिलेक्ट अ मशीन इमेज। सो यहां पर कस्टम इमेज भी आ रही है और डिफॉल्ट भी। सो मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं फास्टर कस्टम इमेज कि इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में कौन से सर्वर्स बनेंगे फास्टर वाली इमेज के। नाउ हार्डवेयर कि जो भी सर्वर मेरा लॉन्च होगा स्केलिंग के थ्रू उसका नाम है T2.micro। यानी कि जो भी सर्वर है उसको 1 CPU और 1 GB रैम क्या हो एलोकेट हो। देन सिक्योरिटी ग्रुप आई एम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप MyHG के नाम से मैंने बनाया हुआ है। की पेयर प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, आई नो द पासवर्ड ऑफ द कस्टम AMI, मुझे कस्टम AI का पासवर्ड पता है इसलिए मैं की पेयर अटैच नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने पासवर्ड किया था। यानी कि जितने भी सर्वर लॉन्च होंगे ऑटोमेटिकली उन सब का पासवर्ड वही होगा जो मेरे कस्टम AMI का पासवर्ड है। एंड नाउ क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। सेम एज आई एम क्रिएट अ वन मोर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन लाइक फ्लिपकार्ट, सिलेक्ट फ्लिपकार्ट AMI, सिलेक्ट T2.micro, then come to the existing security group, proceed without a key pair, I acknowledge and create launch configuration. Clear everyone? अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, मैं एक और सर्विस एड ऑन कर देता हूं। Deploy website using custom AMI, load balancer, auto scaling, route 53, target group in multi zone and SNS service. SNS भी ऐड करना है, यानी कि 24x7 तो मैं क्लाउड पे बैठ नहीं सकता, 24x7 तो नहीं बैठ सकता ना। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी सर्वर बनता है या कोई भी सर्वर फेल होता है तो उसका मैसेज मेरे मेल आईडी पे या मेरे मोबाइल फोन पे आ जाए मॉनिटरिंग के लिए। गॉट माय पॉइंट कि मॉनिटरिंग के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रोसेस है, यानी कि कोई भी सर्वर अगर फेल हो रहा है या क्रिएट हो रहा है या कुछ भी एरर आ रहे हैं तो उसके अलर्ट्स मेरे को मिल जाए। लाइक जैसे आपको आपके अकाउंट के क्या मिलते हैं अलर्ट्स मिलते हैं, तो इसी तरीके से मेरे को भी मेरे नेटवर्क के क्या मिले नोटिफिकेशन अलर्ट मिले। तो उसके लिए मैं SNS सर्विस यूज करूंगा, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सो नाउ आई एम कॉन्फिगर SNS सर्विस। So I'm just click and search in SNS. This is my simple notification service. Create SNS service like my project project my Canada SNS. So my CONADA Canada SNS के नाम से मैंने एक service बनाई है guys. नेक्स्ट, दो टाइप्स की आपकी सर्विसेज होती हैं, एक है फीफो और एक है स्टैंडर्ड। फीफो का मतलब है सीक्वेंस, जो पहला अलर्ट जनरेट हुआ जब तक वो नहीं आएगा जब तक सेकंड आपके पास नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई भी आ सकता है, अनसीक्वेंस भी आपके पास आ सकता है। तो विच वन इज बेस्ट, फीफो
FIFO या स्टैंडर्ड? तो आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड. अगर आपका पहला ओटीपी नहीं आया तो दूसरा तो आए, या तो नो, या तो दूसरा तीसरा भी नहीं आता है. नाउ गाइस, डिस्प्ले नेम कि आपके पास जो अलर्ट आए वो किस नाम से आए. तो मैं कहता हूँ माई लाइक अ CANADA कनाडा अलर्ट. मैं चाहता हूँ कनाडा अलर्ट के नाम से मेरे पास मेल आए. एंड नाउ एक्सेस पॉलिसी फॉर एवरीवन. एंड नाउ क्रिएट अ टॉपिक. अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद मुझे को सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा. तो क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन. नाउ आई एम यूजिंग अ सिलेक्ट माय कनाडा हो गया कनाडा की जगह एंड वाया ईमेल. सो ईमेल आईडी पे लेना चाहता हूं. आई एम जस्ट गिव द ईमेल आईडी ICCPNORTHNORTHINDIANDIA@gmail.com. सो मैं चाहता हूं कि मेरे जो अलर्ट्स है मेरे को इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मिले. एंड नाउ क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन. अब जब मैंने सब्सक्रिप्शन क्रिएट कराया तो ये यहां पर पेंडिंग दिखा रहा है. इट सेंड द वेरिफिकेशन मेल. सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद माय जीमेल आईडी एंड कंफर्म द सब्सक्रिप्शन. सो तो ये देखिए कनाडा अलर्ट के नाम से आ गया गाइस. एंड नाउ कंफर्म सब्सक्रिप्शन. मैंने यहां पे अपना सब्सक्रिप्शन कंफर्म भी कर दिया. एंड नाउ कि अगर आप यहां पे देखते हैं तो पेंडिंग से कंफर्म हो गया. सो नाउ आई एम बैक टू द स्केलिंग. अब मैं आ रहा हूं कि गाइस अब जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे तो इट ऑल्सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें एड ऑन करनी है. मल्टी जोन, टारगेट ग्रुप, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें, लोड बैलेंसर. बट कस्टम एमआई ऑलरेडी आपकी एड ऑन हो चुकी है टारगेट ग्रुप के अंदर, सॉरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. अब ये सारी की सारी चीजें मैं कहां पे एड ऑन करूंगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप. और देन अब ऑटो स्केलिंग के रूल बताऊंगा कि मेरी स्केलिंग कब एग्जीक्यूट हो. तो नाउ द आखिरी ऑप्शन और आखिरी टॉपिक ऑफ ईसी 2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप. नाउ द क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप. स्केलिंग ग्रुप नेम इज लाइक अ CANADA कनाडा SCALING स्केलिंग. नाउ द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. सो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहां पे मेरी दो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है. Now I am deploying faster website. जिसकी configuration क्या थी, ये मैंने नाम दिया था, ये उसकी AMI है, इस डेट को मैंने क्रिएट करी थी, ये इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप एड करा था और T2 माइक्रो और की पेयर मैंने कोई एड ऑन ही नहीं करा था. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. VPC डिफॉल्ट इन विच जोन, मल्टी जोन में बना रहा हूँ, सो आई सिलेक्ट ए एंड बी. मैंने यहाँ पे ए और बी सिलेक्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. रिक्वायर्ड अ लोड बैलेंसर, यस आई नीड अ लोड बैलेंसर. तो आप क्रिएट करना चाहते हैं या नया, सो अटैच एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर. सिलेक्ट टारगेट ग्रुप. गॉट इट द पॉइंट? तो इस टारगेट ग्रुप के साथ मेरा लोड बैलेंसर भी क्या है, अटैच्ड है. एप्लीकेशन ही तो बनाया आपने, यहाँ पे आ रहा है ना, और टारगेट ग्रुप उसी के साथ अटैच है. तो नीचे टारगेट ग्रुप आपको सिलेक्ट है. बट ये सारी चीज पहले से बनी होनी चाहिए. अब जो बनी हुई है वही सब सिलेक्ट कर रहा हूं मैं. नाउ द हेल्थ चेक कि मैं चाहता हूँ कि लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप के बीच में जो हेल्थ चेकिंग हो वो हर 100 सेकंड में वो एक दूसरे को पिंग पोंग करें, कनेक्टिविटी चेक करके रखें, यानी कि ट्रिगर मैसेज भेज सके. नाउ द नेक्स्ट डिजायर कैपेसिटी. मैं चाहता हूँ कि मेरे को मिनिमम 2 सर्वर तो रिक्वायर्ड है. तो मिनिमम कितने हो गए? 2. और डिजायर का मतलब है कि इतने तो मेंटेन करके रखने, यानी कि 2 तो एक्टिव सर्वर चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम 10. भाई वहां 4 बनाए थे, यहाँ 2 ही बना रहा हूँ, पैसा लगता है. तुम 1000 बना लो. सो नाउ गाइस कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मिनिमम 2, और डिजायर का मतलब है कि इतने ही स्केलिंग को मेंटेन भी करके रखने हैं, यानी कि अगर 2 से कम हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 तो चाहिए ही चाहिए. स्केलिंग पॉलिसी नाउ क्रिएट कर देते हैं. व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ 80% नीड इंस्टेंस विद इन 100 सेकेंड. ओके
तो यहाँ पर मैंने बोला है कि स्केलिंग पॉलिसी कि मैं एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन कि अगर मेरे सीपीयू का यूटिलाइजेशन 80% इक्वल या इससे ऊपर जाता है तब क्या हो, मुझे इंस्टेंस चाहिए विद इन कितने सेकंड, 100 सेकंड में मेरा नया सर्वर आ जाए अगर आपका टारगेट ग्रुप का लोड 80% से अबव क्रॉस करता है। सो मेरे को 100 सेकंड में सर्वर चाहिए। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। मुझे अलर्ट्स भी रिक्वायर्ड है, अलर्ट्स किसके थ्रू, माई कनाडा SNS जो बनाया था इसके थ्रू मुझे अलर्ट चाहिए। किस चीज के, कि अगर मेरा कोई सर्वर टर्मिनेट होता है उसके अलर्ट चाहिए, या कोई लॉन्च होता है, या कोई किसी भी रीजन से क्या होता है फेल होता है, इन चारों चीज के मुझे अलर्ट्स भी चाहिए। क्योंकि मेरे पास अलर्ट्स आएंगे तभी तो मैं मॉनिटरिंग करूंगा कि किस रीजन से मेरा सर्वर क्रैश हुआ है। सो नोटिफिकेशन बट 24/7 तो मैं यूं बैठ नहीं सकता ना देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट टैग। तो टैग का मतलब है आपको पता ही है, दिन रात आप करते हो MySCALLING स्केलिंग। तो मैंने नाम रख दिया है कि कोई भी न्यू इंस्टेंस आता है तो उस पर भी क्या लिखा है, माय स्केलिंग VM लिखा है। तो मुझे पता लग गया कि ये जो VM है ये स्केलिंग के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है। नाउ नेक्स्ट एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्लियर एवरीवन? तीन जॉन थे ना, तो मैंने जॉन सिलेक्ट करे ना। तो डिजायर कैपेसिटी 50 कर दो। ऐसे नहीं होगा ना, वीपीसी बनाओ ना, फिर उसी हिसाब से वीपीसी क्रिएट करोगे आप अपनी, ऐसा आता नहीं है, बट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिर वीपीसी क्रिएट करोगे। तो अगर मेरे पास 20 आईपीसी फ्री है जोन ए में, तो 20 सर्वर वहां बनेंगे, रिमेनिंग अदर जोन में बनेंगे। सो नाउ गाइस, कि अब ये बताइए कि मैंने अभी तक कहीं सर्वर बनाए हैं, सर्वर तो कहीं डिप्लॉय नहीं करे ना। नाउ कि ऑटो स्केलिंग आप कभी भी करते हैं तो आपको मैनुअल सर्वर क्रिएट ही नहीं करने हैं, यहाँ सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। और आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टेंसेस में जाके देख सकते हैं, नाउ योर सर्वर इज डिप्लॉय ऑटोमेटिकली। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? सेकंड, जो अब आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी वो वाया किसके होगी, लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर का जो URL है DNS वाला जो URL है, I'm copy this URL and paste with you guys, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये चैट बॉक्स के अंदर। सो आप इस URL पे क्लिक करिए और बताइए कि क्या कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है आपके पास। सो नाउ यू कैन सी कि अब इस URL से आपकी वेबसाइट क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। क्लियर एवरीवन? अभी यहाँ पे एक और बचा हुआ Route 53 जो मैंने नहीं बताया। क्या इतना बड़ा URL आप लोग याद कर सकते हो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए? एवरीवन, इतना बड़ा URL से वेबसाइट एक्सेस करोगे? नो सर। नाउ आई एम यूजिंग, कि अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक और सर्विस ऐड कर रहा हूँ लोड बैलेंसर से पहले, Route 53। और Route 53 को मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक है वो सबसे पहले आएगा कहाँ पर, Route 53 पर। और Route 53 इसको फॉरवर्ड कहां पे करेगा, लाइक कि Route 53 का मतलब है DNS,
नाउ आई एम बाय अ डोमेन नेम, मैं गोडैडी पे गया और मैंने अपना डोमेन बाय करा xyz.com। मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट xyz.com से खुले। So now I'm buy a domain from GoDaddy, then register this domain in a Route 53, and then create Ilias record. So, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? Route 53 में कौन सा record create करूँगा? Ilias record create करूँगा, जो क्या करेगा मेरे load balancer के name को किसमें resolve करेगा? xyz.com से। अब जब आप xyz.com से सर्च करेंगे अपनी वेबसाइट, तो आउटपुट क्या आना है गाइस? xyz आपके वेब यूजर ने किसी ने यहाँ पे सर्च करा xyz.com, xyz.com का मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो रिक्वेस्ट आपके रूट 53 पे आई, रूट 53 से लोड बैलेंसर पे गई, लोड बैलेंसर से टारगेट ग्रुप पे गई, और टारगेट ग्रुप के बाद यहाँ पे जो भी सर्वर एक्टिव होगा उस सर्वर पे फॉरवर्ड हो जाएगी। नाउ क्या आपका सर्वर ही क्रैश होता है तो लोड बैलेंसर उसी रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पे क्या कर देगा? फॉरवर्ड करेगा। ये सारे सर्वर क्रैश भी हो जाते हैं, सो 1 मिनट के लिए टेम्परेरी डाउन आ जाएगी, स्केलिंग एड ऑन करी हुई है, विद इन अ मिनट आपका नया सर्वर आएगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को फिर नए सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर अब एक और लेयर आ गई कि आपके वेबसाइट कहाँ है और आप एक्सेस रूट 53, तो यानी कि पहले आपका रूट 53, फिर लोड बैलेंसर, उसके बाद टारगेट ग्रुप के बाद आपके क्या आ रहे हैं? सर्वर्स आ रहे हैं। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो अभी जो हमारी वेबसाइट है वो लोड बैलेंसर तक तो आ चुकी है। नाउ कि अब आप रूट 53 के साथ किस तरीके से इसको एक्सेस करेंगे, सो आई एम जस्ट गो टू GoDaddy, और GoDaddy पे मैंने एक डोमेन ऑलरेडी बाय करा हुआ गाइस। छोटी सी लैब है, डोंट वरी। नाउ राकेश गौतम एंड माय प्रोडक्ट, और यहां पर मेरा एक डोमेन ऑलरेडी है rvinfosystem.live के नाम से। तो नाउ rvinfosystem.live इज अवेलेबल, I'm just click on rvinfosystem.live, और यहाँ पे जाने के बाद I'm just click on DNS, तो इसका मुझे DNS edit करना है, manage domain, buy कर लेना, अलग अलग cost है, and manage domain के बाद guys यहाँ पे end में इसके पास आ रहा है name server, so manage DNS, और आप डोमेन कहीं से भी बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आ रहा है नेम सर्वर। तो नेम सर्वर को फिलहाल मेरे कोई अदर नेम सर्वर अपडेट हो रहे हैं, मेरा डोमेन किसी अदर मतलब अजूरे क्लाउड के साथ कनेक्टेड नहीं है, AWS अदर अकाउंट पे, मैं चेंज कर देता हूँ, आई वॉन्ट टू यूज GoDaddy डिफॉल्ट, और फिलहाल मैं GoDaddy का डिफॉल्ट ही क्या कर रहा हूँ, नेम सर्वर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपना डोमेन नेम सर्वर यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, हम जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे अब कोई भी नेम सर्वर नहीं है, जो भी मेरे नेम सर्वर से वो सारे के सारे हो गए, दिस फीचर इज अनअवेलेबल टू बिकॉज ऑफ इट्स स्टेटस। तो मैंने यहाँ पे नेम सर्वर क्या करे अपने चेंज करे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपने इस नाम से अपने डोमेन को एक्सेस करना चाहता हूँ, या अगर आप पेड सर्विस नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर एक और है फ्री नोम, बट वो फ्री वेबसाइट है तो उसमें अपडेट होने में थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। सो मैं इसी डोमेन को रजिस्टर्ड करा रहा हूँ, सो आई एम जस्ट सर्च अ रूट 53, मेरे पास एक और सर्विस है क्लाउड की रूट 53, एंड रूट 53 में आपके आते हैं होस्टेड जॉन, यानी कि आप मल्टीपल डोमेन ले सकते हैं, आप चाहो तो डोमेन यहाँ से भी बाय कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको मिनिमम $6-$10 के आसपास होगा। आप GoDaddy से लेंगे तो आपका $2-$3 में भी मिल जाएगा, यानी कि 200-300 रुपीज में आपको 1 year के लिए डोमेन मिल जाएगा। तो ये आगे का प्रोसेस है रूट 53, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा। तो क्रिएट अ होस्टेड जॉन एंड माई डोमेन नेम, सो जो मैंने डोमेन बाय करा हुआ है वही डोमेन मैं यूज करूंगा। सो मेरा जो डोमेन नेम था वो था rvinfosystem.live, सो मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं, एंड माय प्रोडक्ट rvinfosystem.live, आई एम जस्ट कॉपी दिस डोमेन,
and registered this location. Sorry, rv info system system.live live. एंड ये जो डोमेन है ये मेरा पब्लिक है. पब्लिक का मतलब है वर्ल्ड वाइड एक्सेस. आप सभी लोग इस नाम से एक्सेस कर सकते हो. एंड नाउ क्रिएट होस्टेड जोन. जब आप ये होस्टेड जोन क्रिएट करेंगे इट गिव यू द फोर नेम सर्वर रिकॉर्ड. यानी कि गोडैडी से मुझे उस डोमेन के राइट्स लेने हैं क्लाउड पर. तो वो राइट्स तभी आएंगे जब आप ये नेम सर्वर रिकॉर्ड क्या करोगे, अपडेट करोगे. कहां पर? गोडैडी के नेम सर्वर पे. So now I'm just copy this name server records and go to the RV manage domain. Manage DNS. और गाइस मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां भी बना सकता था बट मैं यहां इसलिए नहीं कर रहा. बट जो प्रोसेस है एक्चुअली मैं इंडस्ट्री का मैं वही आपको बता रहा हूँ. सो चेंज और मैं यहाँ पे अब अपने कस्टम कनेक्ट टू डोमेन टू अ वेबसाइट. सो इंटर माय ऑन नेम स्पेस और मैं यहाँ पर अपने नेम स्पेस क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ. क्लियर एवरीवन? तो सोचो कि अगर मैं यहाँ पे वी ने वीपीसी भी ऐड कर देता तो ये लैब कितना बड़ा जाता. पूरी उम्मीद थी कोई भी नहीं करता. यस और नो? एंड नाउ सेफ एंड यस. तो बताइए गाइस कि अगर मैं यहाँ पर वीपीसी अपडेट कर देता, कस्टम वीपीसी बना के इस लैब को करता, तो अभी तो आधों के फेस उतरे हैं, कुछ सदमे में चले गए हैं. Yes or no? Rahul, Saqib, Nirbhay, Mac, Paras, क्या कहते हो? Interesting lab है? Yes sir. Yes sir. अभी तो आउटपुट मैंने दिखाया नहीं. Now guys, मैंने अपना डोमेन तो रजिस्टर्ड कर दिया. अब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड भी बनाना है. So now the create a record. मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो www.rbinfosystem.live से एक्सेस हो. क्रिएट इलियास रिकॉर्ड. ट्रैफिक जो है वो मेरा आ रहा है लोड बैलेंसर से. इलियास रिकॉर्ड होता है कभी भी आप नेम टू नेम जब रिजोल्व करते हैं तो इलियास रिकॉर्ड बनता है. अगर आप आईपी टू नेम एक्सेस करना चाहते हैं तो ए रिकॉर्ड क्रिएट होगा. यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियो नंबर 5 देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर है. सो नाउ गाइस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैंने बनाया था. किस रीजन में बनाया था? कनाडा लोकेशन पे. एंड ऑटोमेटिकली देखिए वो यू आर एल आ जाएगा. आई एम सेलेक्ट दिस यू आर एल एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड. चलिए अब आता है टेस्टिंग. सो पहले मैं आपको टेस्टिंग बताता हूं कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो स्केलिंग का सबसे प्लस बेनिफिट क्या है कि अगर आपके सर्वर क्रैश भी हो जाते हैं तो इसका काम क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अभी चल रही है यहाँ पर डीएनएस आईपी से. तो मैं अपना आपके नए सर्वर्स वो विद इन 100 सेकंड क्या करेगा, क्रिएट करके देगा. यस नो एवरीवन? तो स्केलिंग भी तो टेस्ट करनी है कि हमारी स्केलिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. लेकिन जब भी आप वेबसाइट करेंगे तो ये आपको टेम्परेरी एरर देगा. अगर आपका स्केलिंग नहीं है तो कैन नॉट बी फाइंड आएगा. So now I'm just go back to load balancer URL and check कि मेरे पास कौन सा error आ रहा है. तो अभी तो मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है क्योंकि मेरे सर्वर अभी फुल फ्लैश में शटिंग डाउन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने दोनों ही सर्वर क्या कर दिए, क्रैश करें एक साथ. बट रियल टाइम में 1x1 होता है. तो जब 1x1 होता है तो आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं जाएगी. तो यहाँ पर ये करें. सो नाउ कि हम चेक करते हैं कि हमारी जो EC2 सर्विसेज हैं ये देखिए यहाँ पे सर्वर ऑलरेडी आ चुके थे, इनिशियलाइज हो गया. इसलिए मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, यही वाली वेबसाइट क्या हो रही है, खुल रही है.
ना मेरी कंपनी कहती है कि मुझे ये वेबसाइट नहीं चाहिए, नाउ द बिग बिलियन डे स्टार्ट इन विद इन 3 मिनट्स, चेंज वेबसाइट। अब मेरे को चेंज वेबसाइट करनी है तो मैं क्या करूंगा, विद इन 3 मिनट मैंने पहले से सेटअप बना के रखा हुआ, मैं सिर्फ क्या जाऊंगा, आई एम जस्ट गो टू द ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड एडिट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड वेट, गो टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप, सिलेक्ट एडिट, और एडिट में जाने के बाद मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया एंड अपडेट, और अपडेट करने के बाद आई एम जस्ट गो टू द इंस्टेंसेस, और इंस्टेंसेस में जाने के बाद जो भी मेरे एक्टिव इंस्टेंसेस हैं उनको मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट। सो अब जो मेरे नए सर्वर्स आएंगे, ओहो इतने सारे सर्वर्स बन गए, एक और है, तो गाइस एक चीज ध्यान रखना, आप डिलीट करते रहना, सर्वर बनते रहेंगे। अब मैंने जब सारे सर्वर्स यहाँ पे कर दिए और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरी वेबसाइट हो गई टेम्परेरी डाउन। अब जो मेरे नए सर्वर्स आएंगे ना वो मेरी नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से और नई वेबसाइट के थ्रू आएंगे। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? किसका? मैंने सारे एक साथ करे है ना, मैं वन बाय वन करता तो रिप्लेस, जैसे सर्वर में आएगा रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो जस्ट वेट 100 सेकंड। और अब आपको वेबसाइट जो एक्सेस करनी है वो किस नाम से करनी है, www.rbinfosystem.live, उस नाम से वेबसाइट एक्सेस होगी, क्योंकि डीएनएस अपडेट होने में 10 टू 15 मिनट्स लग जाते हैं। मैंने नेम दिया है ना, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोड बैलेंसर के यूआरएल से एक्सेस कर रहा हूँ ना, बट मैंने Route 53 एड ऑन करा है, तो मैं अभी नाम वो इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरा डीएनएस अपडेट होने में टाइम लग जाता है। लाइक सो आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो www.rbinfosystem.live। तो नाउ कि rbinfosystem.live अभी मेरा जो है अपडेट नहीं हुआ है, गॉट इट? तो अगर मेरा अपडेट होता तो इस पर भी क्या होता, मेरी वही वेबसाइट क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो आई एम जस्ट गो टू हियर डीएनएस, तो सेव तो कर दिए थे ना मैंने रोल, या ये सारे के सारे सर्वर्स रोल्स मैंने अपडेट यहां पे कर चुका हूं गाइस। तो जस्ट वेट आपको करना पड़ेगा 10 to 15 मिनट्स, तो ये आपके अपडेट, ये लिखा आता है कि जब आप सेव करोगे तो यह मैसेज आता है अप टू 48 आवर्स, लेकिन वो अप टू 48 नहीं होता, वो 15 to 20 मिनट्स में अपडेट हो जाते हैं और कभी कभार तो 2 मिनट्स में हो जाते हैं। सो अगर आप अजूरे पे करते हैं तो वहां आता है अप टू 72 आवर्स, बट वो 15 से 20 मिनट में क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। सो नाउ की चलिए रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब आपके पास ये वेबसाइट नहीं आ गई उसी यूआरएल पे। क्लियर द पॉइंट? 3 मिनट मांगे थे, 4 मिनट हो गए, रिफ्रेश नहीं करा था, बस 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, डिले है, और नाउ इतना तो कोई सोचता भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो भी सर्वर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड हो चुके होंगे। ये एक ही सर्वर अभी आपके पास आया है, तो बाकी और वन बाय वन आते जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना गाइस, आप इसको डिलीट करते रहो सर्वर बनते रहेंगे, और बिल भी, इसको रोकने के लिए आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करना होगा। तो जब तक आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट नहीं करेंगे आपके सर्वर बनने रुकेंगे नहीं। आपने सोचा मैंने टर्मिनेट कर दिया और मैं एग्जिट हो जाता हूँ, पता लगा वो 100 सेकंड के बाद दोबारा से सर्वर वहां पे अपने आप ही क्रिएट कर दे रहा है। क्लियर एवरीवन? यस सर। गाइस मैं इस लैब को अभी डिलीट नहीं कर रहा हूं, just wait for 10 to 15 minutes and check with name, the name is rbinfosystem.live, so rbinfosystem.live se aap log try kariye apne mobile phone pe it's open or not, kyunki mere paas kabhi kabhi cookies ka bhi option aa jata hai।
और अगर आप अलग अलग नाम देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो अभी ओपन नहीं हो रही गाइस, क्योंकि अभी भी GoDaddy का ही रूट वो दिखा रहा है, तो अभी नेम सर्वर मेरे अपडेट नहीं हुए हैं। अभी कुछ नहीं है, ये लैब भी पूरी के पूरी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, डिप्लॉय वेबसाइट यूजिंग लोड बैलेंसर रूट 53 ऑटो स्केलिंग कस्टम AMI। थैंक यू गाइस, इनफ, यू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। इनफ सर फॉर टुडे। टुडे इनफ, अरे अभी तो एक ही घंटा हुआ है, तो दूसरा मीटिंग भी करना है 10 मिनट। चलिए गाइस, सो थैंक यू। बाकी सर एक